कि प्रोटोस्टोमिया क्या होता है और कहां से इसकी डिस्कशन स्टार्ट होती हैं वेरी सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि हमारे पास स्पर्म्स और एग्स होते हैं उनकी कम्बिनेशन होती हैं उनसे बनता है जयगोड फिर वो जयगोड जो है फिर वो एक सेल्स के एक बाल बनाते हैं जिसको मोरला कहते हैं और वो बाल मोरला का जब बन जाता है फिर उसके बाद सेल्स जो हैं वो साइड पर मोशन शुरू कर लेते हैं साइड पर हो जाते हैं और बीच में एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं और ये सेल का जो स्ट्रक्चर अभी बना है इसको बोलते हैं ब्लास्टोला इसके अंदर कैविटी क्या हुई ब्लास्टोसील हुई और फिर इसके टॉप पर जो है ब्लास्टोसील से थोड़ा सा मतलब एक सुराख बनना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोफोर पोर अभी यहाँ पर क्या बना पोर बना अकॉर्डिंग टू प्रोटोस्टोमिया अगर ये पोर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ बनाएंगे तो ये कहलाया जाएगा प्रोटोस्टोमिया तो वो जो एनिमल होगा इस तरह से जब वो अपना लारवा स्टेज से गुजरेगा मतलब अपना एम्ब्रोनिक स्टेज से गुजरेगा अपना एम्ब्रो बनाएगा फिर उसके बाद उसका लार्वा बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया वाले ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स तो प्रोटोस्टोमिया क्या है अगर इस ब्लास्टो पोर से फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ बने तो ये प्रोटोस्टोमिया होगा और अगर इस ब्लास्टो पोर से फर्स्ट ऑफ ऑल एन एस बने तो फिर ये ड्यूटरोस्टोमिया होगा अभी अपने इस वर्ड को थोड़ा सा कंसनट्रेट करना है प्रोटोस्टोमिया प्रोटो, प्रोटो मीन्स फर्स्ट स्टोमिया मीन्स माउथ फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ बना प्रोटोस्टोमिया ड्यूट्रोस्टोमिया इसको आप लोग ड्यूटरो को आप लोग ड्यू कंसिडर कीजिए टू कंसिडर कीजिएगा ड्यू डाई ओके टू तो, तो सेकेंड टाइम बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एन एस बनेगा सेकेंड जो पोजिशन होगा बनने का वो माउथ का होगा तो